पशु जगत में दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभावी शक्तियां होती हैं, आकर्षण और प्रजनन। ऐसे में प्रबल, हैरतअंगेज और अक्सर बहुत आक्रामक आचरण एक आम बात है। फ्लेमिंगोस प्रजनन के लिए आते हैं और एक अत्यंत लुभावनी लयबद्धता के साथ की गई नृत्य श्रृंखला में जुट जाते हैं। ये नृत्य प्रजनन के लिए इनके कामोन्माद को जन्म तो देता ही है, साथ ही इससे इनका सुरक्षात्मक झुंड भी बन जाता है। इतने सभ्य तरीके से ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित करने के बावजूद अक्सर मुठभेड़ हो ही जाती है। यहाँ आतुर नरों में से एक पर कुछ नौसिखिय युवा नर हमला कर देते हैं। प्रेम आवेदक के पास भाग जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। दूर मेडिटेरेनियन जंगलों के ऊंचे ऊंचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर जाड़ों के बाद पतझड़ के शुरुआती दौर में एक और टकराव की स्थिति पनपने लगती है। सियरा दे ग्रेडोस में जमीन से बाहर उभरी हुई इन चट्टानों के बीच आइबेरियन आइबेक्स यानी स्पेन की जंगली बकरियों को हर रोज जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ता है। पतझड़ के मौसम में जोखिम और भी बढ़ जाता है। सर को चकरा देने वाले ये पहाड़ आइबेरियन आइबेक्स के घर हैं और यहाँ साल भर के अन्य जोखिम भरे हालात के साथ ही इस मौसम में एक और विपदा दस्तक देती है। प्रजनन ऋतु में एक तरफ तो ऊंचाई की वजह से शरीर और दिमाग की असंतुलित अवस्था और दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी नर की जुड़वा सींगे। कामोत्तेजना की अवस्था में एक नर की सारी ऊर्जा दूसरे प्रतिद्वंद्वी नर को खदेड़ने पर केंद्रित होती है और यहीं से शुरू होता है भीषण टकराव। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं एक ऐसी लड़ाई में जो घंटों चल सकती है। अपने आसपास की दीन दुनिया से बेखबर प्रजनन के लिए आवेग से भरे दोनों की इस भिड़ंत की आवाज से सियरा के पहाड़ गूंज उठते हैं। फिर भी ऐसी क्रूर और भयंकर लड़ाई के बावजूद कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती। शायद कुछ को सर दर्द हो जाता हो। मेडिटेरेनियन के इन पहाड़ों की तलहटी में ओक के छोटे जंगलों में जब बकरियों का प्रेमावेग ठंडा पड़ने लगता है, वहीं कुछ अति उत्साहित चिड़िया उस जुनून की मशाल को कायम रखती हैं।